दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज से पहले तो हमने ना कभी कोई मॉर्टल कॉम्बैट की मूवी देखी है और ना ही गेम खेली है, तो क्या ये फिल्म हम देख सकते हैं? तो जी हाँ भाई, आप ये फिल्म 100% देख सकते हैं। पिछली फिल्मों के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। खैर दोस्तों, एक्शन, थ्रिल, एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर मॉर्टल कॉम्बैट को 8 अप्रैल को रिलीज किया गया और इसे इंडिया के अंदर थिएटर्स में भी रिलीज किया गया, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन आजकल इंडिया के हालात खराब होने की वजह से इस फिल्म को घर में ही बैठकर देखना मुनासिब समझा। आप घर बैठकर इसे HBO पर देख सकते हैं, लेकिन HBO पर ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। टोटल 1 घंटा 50 मिनट की इसकी ड्यूरेशन है और आप इस फिल्म को फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी है ये फिल्म? 1 घंटा 52 मिनट आपको इस फिल्म को देने चाहिए या नहीं? कहीं इस फिल्म को देखने के बाद आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करने वाले? आइए जानते हैं। बात करूं स्टोरी लाइन की, और आप सब जानते भी होंगे कि मॉर्टल कॉम्बैट नाम है एक टूर्नामेंट का जिसमें कुछ फाइटर्स फाइट करते हैं, और इस मूवी में भी कुछ यही सीन है जो कि जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि ना इस फिल्म की स्टोरी लाइन आपको इंगेज करने वाली है, ना लोगों की एक्टिंग आपको इंगेज करने वाली है। सिर्फ एक चीज जिसकी वजह से आप इस फिल्म से पूरे इंगेजिंग होने वाले हैं, और वो है इस फिल्म के फाइटिंग सीन्स। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का एक्शन ही इसके सारे पैसे हैं। और जो दोस्त एक्शन और फाइटिंग सीन्स लवर हैं, उनको मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि यार आप मॉर्टल कॉम्बैट मस्ट वॉच करें। इसके अलावा जिन लोगों ने आज तक मॉर्टल कॉम्बैट की कोई भी मूवी नहीं देखी, तो उन लोगों के लिए कोई भी इशू नहीं है, वो ये मूवी देखेंगे और उन्हें ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जिन लोगों ने मॉर्टल कॉम्बैट की सभी मूवीज देखी हैं, मॉर्टल कॉम्बैट 95 से लेकर मॉर्टल कॉम्बैट लेजेंड्स 2020 तक, तो उन लोगों के लिए इस मूवी को देखना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस मूवी में एक तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक्शन सीन्स को थोड़ा सा प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और अगर आप मॉर्टल कॉम्बैट की सभी मूवीज देख चुके हैं और अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉर्टल कॉम्बैट 2021 इन सबसे अच्छी होने वाली है, तो ये आपकी सोच है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म की स्टोरी लाइन और राइटिंग ही कुछ खास स्ट्रोंग नहीं है। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन सीन्स ही दिखा रही है, बाकी कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, कुछ इतना खास सीन नहीं था। जिन लोगों ने ऑलरेडी ये फिल्म देख ली है मॉर्टल कॉम्बैट, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।